हेलो गाइस, माय नेम इज़ पवन नागर एंड इन दिस वीडियो हम आपसे बात करेंगे एक ज़िला के बाउंड्रीज के बारे में। ओके, तो देखिए, हमने एक ज़िला की फर्स्ट वीडियो में आपको ये सारा का सारा बताया था कि बेसिकली हमें एक ज़िला को टू पार्ट्स के अंदर पढ़ना है, एक ज़िला की बाउंड्रीज एंड एक ज़िला के कंटेंट। ओके, तो कंटेंट के बारे में सारी की सारी डिटेल कि बेसिकली क्या क्या कंटेंट होते हैं, कैसे पढ़ते हैं, ये सारा हमने पढ़ लिया था फर्स्ट वीडियो में। और दिस इज़ द सेकेंड वीडियो ऑन एक ज़िला, और इसमें पढ़ेंगे हम सारे की सारी एक जिला की बाउंड्रीज़ के ऊपर। ओके, तो हमने बोला था बाउंड्रीज के भी 6 पॉइंट होंगे, कंटेंट के भी 6 पॉइंट होंगे। तो देखिए, 6 पॉइंट है, और ईच बाउंड्री के 3 पॉइंट होंगे, मतलब एपेक्स को भी 3 पॉइंट में, बेस को भी 3 में, सारी वॉल्स को भी 3 पॉइंट के अंदर पढ़ना है। तो आइए, आज हम पूरा का पूरा एक जिला का चार्ट पूरा कंप्लीट कर देंगे, ये वाला चार्ट जो भी बना रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एपेक्स, या फिर बोलते हैं सर्वाइको एक्जिलरी कैनाल। तो देखिए, हमें इसके अंदर बेसिकली एपेक्स है, तो बेसिकली ये क्या होता है, लाइक ट्रायंगल शेप, मतलब ऐसे तो हम बोलते हैं कि जो एंटी चार वाल होती है, दिस इज क्वाड्रिलेटरल। ओके, फोर साइडेड पिरामिड होता है एक जिला, बट क्या होता है, आपको पता हो तो जो लेटरल वाल होती है ना, लेटरल वाल बहुत छोटी होती है, बहुत ही नेरो, तो नियर अबाउट ट्राइंगल होता है। ओके, होता तो फोर साइडेड पिरामिड है, बट जो लेटरल वाल होती है वो बहुत नेरो होती है, बहुत छोटी होती है, इसीलिए हम उसे ट्राइंगल बोल देते हैं। ओके, तो एपेक्स या सर्वाइको एक्जिलरी कैनाल, इसको हमें 3 पॉइंट्स के अंदर पढ़ना है। इसके पढ़ना है कि बेसिकली इसका एंटीरियर वाला पोर्शन कौन बनाएंगे, देन इसका पोस्टीरियर वाला पोर्शन कौन बनाएगा, एंड थर्ड पॉइंट होगा हमारा इसका मीडियल साइड वाला पोर्शन कौन बनाएगा। ओके, तो सर्वाइको एक्जिलरी कैनाल को हमें 3 पॉइंट्स के अंदर पढ़ना है। ओके, आते हैं एंटीरियर। तो सर्वाइको एक्जिलरी कैनाल, आपको पता होगा सबसे एंटीरियर साइड क्या होती है, क्लेविकल। तो एंटीरियर साइड क्या होगी, क्लेविकल। क्लेविकल का भी क्या होगा, पोस्टीरियर सरफेस। तो एंटीरियर साइड होगी क्लेविकल, और क्लेविकल की भी क्या होगी, क्लेविकल की भी होगी हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस। देन पोस्टीरियर साइड होगा हमारे पास स्केपुला। अज्यूम कीजिए ना यार, स्केपुला पोस्टीरियर साइड ही होता है। ओके, तो स्केपुला का भी क्या होगा, सुपीरियर बॉर्डर। एंड उसी के साथ साथ एक और चीज़ होती है, वो होता है कोरेकोइड प्रोसेस, क्योंकि स्केपुला का स्केपुला के पास ही तो होता है कोरेकोइड प्रोसेस, कोरेकोइड प्रोसेस का भी मीडियल एस्पेक्ट, MED मतलब मीडियल। ओके, तो कोरेकोइड प्रोसेस का भी मीडियल एस्पेक्ट, तो ये दोनों पॉइंट किसके हुए, पोस्टीरियर के। देन मीडियल साइड क्या प्रेजेंट होगा, मीडियल साइड प्रेजेंट होती है हमारी फर्स्ट रिब, तो मीडियल साइड होगी फर्स्ट रिब। फर्स्ट रिब का भी आउटर बॉर्डर, कॉमन सी बात है ना, देखिए डटने का नहीं है, सब समझने का है। फर्स्ट रिब का तो आउटर बॉर्डर होगा, क्लेविकल की पोस्टीरियर सरफेस होगी, स्केपुला का अपर बॉर्डर होगा, और कोरेकोइड प्रोसेस का मीडियल एस्पेक्ट होगा। ओके, तो देखिए एक चीज़ उसका उसकी मतलब क्लेविकल तो उसका क्या, स्केपुला तो भी उसका क्या, कोरेकोइड प्रोसेस उसका भी क्या, और फर्स्ट रिब और उसका भी क्या। ओके, तो फर्स्ट रिब की आउटर सरफेस। ओके, तो सर्वाइको एक्जिलरी कैनाल या फिर हमारा एपेक्स को ये 3 चीज़ें बनाती हैं, मतलब एपेक्स बनाने के लिए सबसे आगे क्या होगी, क्लेविकल, पीछे क्या होगी, स्केपुला, मीडियल साइड क्या होगी, फर्स्ट रिब। तो ये हो गया हमारा, हमने बोला था कि इसके भी 3 पॉइंट बताएंगे, तो 3 पॉइंट हो गए। आते हैं बेस पे, तो अब हम बेस के भी 3 पॉइंट बताएंगे यहाँ पे। तो बेस के 3 पॉइंट हम यहाँ कवर करेंगे इधर। तो बेस का सबसे पहला पॉइंट क्या है, ये क्या होता है, दिस इज कॉन्वेक्स। देखिए ना, बेस मतलब जहाँ पे आप डीओ लगाते हैं, जहाँ पे हमारे हेयर्स होते हैं ना, एक्जिला में हेयर्स होते हैं, या फिर जहाँ पे आप डीओ लगाते हैं उसे बोलते हैं बेस ऑफ एक्जिला। तो बेसिकली दिस इज कॉन्वेक्स अपवर्ड, ऊपर की तरफ भी तो कॉन्वेक्स होता है, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, दिस बाई कौन बनाएगा, फॉर्म बाई स्किन एंड एक्जिलरी फेशिया, formed by skin and axillary fascia।
ओके, तो इसको स्किन और एक्जिलरी फेशिया बनाएगा, नंबर थर्ड एंड लास्ट पॉइंट। और देखिए ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। वो कैसे? क्योंकि बेसिकली हमारा जो एपेक्स होता है ना, क्योंकि आप देखिए इसको पढ़ेंगे आप ब्रेस्ट, जब आप अपर लिम में ब्रेस्ट एनाटॉमी पढ़ते हैं तो वहाँ आप इसे पढ़ेंगे। तो बेसिकली दिस इज बाउंडेड, ओके, बाउंडेड कहाँ कहाँ पे? फ्रंट साइड, मतलब थर्ड पॉइंट है उसको भी तीन पॉइंट के अंदर पढ़ना है। तो बाउंडेड फ्रंट साइड, देन पढ़ेंगे हम बिहाइंड, देन थर्ड पे पढ़ेंगे हम मीडियली, ओके। तो तीन जगह के हम इसके बाउंडेड पढ़ेंगे। हाँ, तो देखिए बेसिकली फ्रंट साइड ये किससे बाउंडेड होगा? तो देखिए फ्रंट साइड, ये फ्रंट साइड जो इसके पास फोल्ड होता है, स्किन का फोल्ड होता है, देखिए ना इसको बना कौन रहा है? बेस को, बेस को बना रहा है स्किन और एक्जिलरी फेशिया। तो फ्रंट साइड जो स्किन होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एंटीरियर एक्जिलरी फोल्ड। तो उसे बोलते हैं एंटीरियर एक्जिलरी फोल्ड, ओके। बिहाइंड जो फोल्ड होगा उसे क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर एक्जिलरी फोल्ड। ओके, एंड मीडियल साइड क्या होगी? बेसिकली मीडियल साइड क्या होगा? लेटरल एस्पेक्ट ऑफ चेस्ट फोल्ड। देखिए ना हम बेस की बात कर रहे हैं, देखिए ना हमने बोला ना यहाँ पे हम बेस की बात कर रहे हैं, बेस को भी थ्री पॉइंट के अंदर पढ़ रहे हैं। अभी हम बता देंगे यहाँ पे कैसे आना है। तो कॉन्वेक्स अपवर्ड होगा, जहाँ पे हमारे हेयर्स होते हैं, जहाँ पे हम डीओ लगाते हैं उसे बोलते हैं बेस। स्किन एंड सुपरफिशियल एक्जिलरी फेशिया बाउंडेड। आगे की साइड क्या होगा? एंटीरियर एक्जिलरी फोल्ड होगा। बेसिकली पीछे की साइड क्या होगा? पोस्टीरियर एक्जिलरी फोल्ड। एंड मीडियली क्या होगा? मीडियली होगा लेटरल एस्पेक्ट ऑफ चेस्ट वॉल, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ चेस्ट वॉल, ये कहाँ होती है? मीडियली, ओके। अब देखिए इसमें काम की बात क्या है, इसमें है इसका एनाटॉमिकल पोजीशन, इसका क्या एनाटॉमिकल यूज होता है। जब भी आप ब्रेस्ट का एक्सटेंशन पढ़ते हैं कि बेसिकली ब्रेस्ट वर्टिकली कहाँ कहाँ, वर्टिकली किन दो पॉइंट्स के बीच होता है और हॉरिजॉन्टली किन दो पॉइंट्स के बीच होता है, तो वहाँ आप एक बात पढ़ते हैं मिड एक्जिलरी लाइन। अब देखिए बेसिकली मिड एक्जिलरी लाइन क्या होती हैं, वो हम यहीं से डिसाइड करते हैं इन्हीं एक्जिलरी फोल्ड से। वो कैसे? सबसे पहले देखते हैं जो एंटीरियर एक्जिलरी फोल्ड होता है इसको कौन सी मसल बनाती है? इसको मसल बनाती है लोअर बॉर्डर, इसको बनाती है हमारी लोअर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस मेजर। ये क्या बनाएगी? ये बनाएगी हमारा एंटीरियर एक्जिलरी फोल्ड। पोस्टीरियर एक्जिलरी फोल्ड किस मसल के कारण बनता है? दिस इज ड्यू टू टेंडन ऑफ लैटिसमस डोर्साई, एंड टेरिस मेजर। देखिए यहाँ पे पेक्टोरलिस मेजर है, यहाँ पे क्या है? टेरिस मेजर। तो ये दोनों मिलके क्या बनाएगी? हमारा पोस्टीरियर एक्जिलरी फोल्ड। लेटरल एस्पेक्ट ऑफ चेस्ट वाल, इसमें कोई बात है ही नहीं, कुछ नहीं होगा, सेरेटस एंटीरियर होगी, उसको हम नीचे देखेंगे बाउंड्रीज में। तो ये हो गए। अब देखिए हम बात कर रहे थे कि मिड एक्जिलरी लाइन क्या होती है, एंटीरियर एक्जिलरी लाइन क्या होती है और पोस्टीरियर एक्जिलरी लाइन क्या होती है, क्योंकि वो बेसिकली बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ओके। तो देखिए जो एंटीरियर एक्जिलरी फोल्ड, इसके कारण इसका मतलब इसको कंसिडर करते हुए हम एक लाइन खींचते हैं एक्जिला में, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम एंटीरियर एक्जिलरी लाइन, एंटीरियर एक्जिलरी लाइन, ओके। जो पोस्टीरियर एक्जिलरी फोल्ड है इसको कंसिडर करते हुए एक लाइन खींचते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम पोस्टीरियर एक्जिलरी लाइन, ओके। तो दिस इज पोस्टीरियर एक्जिलरी लाइन। एंड देन इन दोनों के बीच एंटीरियर एक्जिलरी लाइन और पोस्टीरियर एक्जिलरी लाइन, मतलब फ्रंट एंटीरियर एक्जिलरी फोल्ड और पोस्टीरियर एक्जिलरी फोल्ड, इन दोनों के बीच में जो लाइन प्रेजेंट होती है उसे क्या बोलते हैं?
मिड एक्जिलरी लाइन। और इसे ही आप कहाँ पढ़ते हैं, इसे ही आप पढ़ते हैं ब्रेस्ट में। जब भी आप ब्रेस्ट का एक्सटेंशन देखते हैं कि वर्टिकली कहाँ कौन कौन से इंटरकोस्टल स्पेस के बीच प्रेजेंट होता है, ट्रांसवर्सली या हॉरिजॉन्टली कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो बेसिकली लेटरल साइड ब्रेस्ट कहाँ तक होता है, मिड एक्जिलरी लाइन तक। ओके, तो ये सारा का सारा हो गया हमारा। दीज आर द 3 पॉइंट्स ऑफ बेस। तो देखिए ये तीनों पॉइंट्स हमने बताए थे बेस ऑफ, ओके, बेस के। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पे एक लाइन नहीं खींची है, मैंने इसी जो ये वाला बेस है ना, बेस इसी को यहाँ समझाया है पूरा का पूरा। ओके, तो आपका कुछ नहीं, इन्हीं सारे पॉइंट्स को आप यहाँ लिख देना। ओके, इसके बाद आते हैं एंटीरियर वॉल पे। अब देखिए एंटीरियर वॉल में कुछ नहीं, बस यूँ देखना है कि बेसिकली एंटीरियर वॉल ऑफ एक्जिला में कौन कौन सी मसल्स होती हैं। बहुत सिंपल जाए यार, कुछ नहीं पढ़ना, बस तीन मसल्स पढ़नी है। हमने बोला ना कि ईच पॉइंट के 3 पॉइंट होंगे, एपेक्स को भी 3 पॉइंट में पढ़ना है, बेस को भी हमने 3 पॉइंट्स के अंदर पढ़ा, एंड एंटीरियर वॉल के अंदर भी हमें तीन चीज़ें पढ़नी है। तीन चीज़ें कौन सी आप खुद बताइए। सबसे फ्रंट साइड क्या होती है, पेक्टोरलिस मेजर। सबसे फ्रंट साइड क्या होगी, पेक्टोरलिस मेजर होगी। ओके, उसके बाद क्या होगा, क्लेवी पेक्टोरल फेशिया, क्लेवी CLAVI। ओके, क्लेवी पेक्टोरल फेशिया, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। इस क्लेवी पेक्टोरल फेशिया से बहुत सारे MCQs पिकअप होते हैं, या फिर बहुत सी बार ये शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आ जाता है। तो देखिए इसका मतलब काम की चीज़ क्या है इसमें, कि बेसिकली क्लेवी पेक्टोरल फेशिया को कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पियर्स करती हैं। और हमारा इसका सेपरेट वीडियो है, उसमें आपको ट्रिक बताई थी कि चार चीज़ें होती हैं जो कि हमारे क्लेवी पेक्टोरल फेशिया को पियर्स करती हैं, और वो चार चीज़ें कौन सी होती हैं, काल, हम कोल से याद करते हैं। ओके, कोल मतलब दी जा फोर स्ट्रक्चर, ये क्या है, ये चार स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हमारे क्लेवी पेक्टोरल फेशिया को पियर्स करती हैं। ओके, सिफेलिक वेन, एक्रोमियोथोरेसिक आर्टरी, लेटरल पेक्टोरल नर्व एंड लिम्फेटिक्स। ओके, हमारा सेपरेट वीडियो है, वहाँ जाके देख लेना। तो फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या होगा, पेक्टोरलिस माइनर मसल। तो बेसिकली ये तीन चीज़ें आपको कहाँ मिलेगी, ये तीन चीज़ें आपको मिलेगी एंटीरियर वॉल ऑफ एक्जिला में। ओके, तो हमारा इंटीरियर वॉल कवर हो गया। उसके बाद तीन पॉइंट्स और देखने हैं, पोस्टीरियर वॉल। तो देखिए पोस्टीरियर वॉल को मैं यहाँ बता रहा हूँ, तो वही पोस्टीरियर वॉल के अंदर भी हमें तीन चीज़ें देखनी है, वही कि बेसिकली पोस्टीरियर वॉल कौन कौन सी मसल्स बनाती हैं। तो कौन कौन सी होगी, एक होगी हमारे पास सब स्केपुलरिस, सब स्केपुलरिस कहाँ होती है, अबो पोस्टीरियर वॉल में भी सबसे ऊपर क्या होती हैं, सब स्केपुलरिस मसल। देन क्या होगी हमारे पास, टेरिस मेजर, कॉमन सी बात है यार, आप स्केपला में टेरिस मेजर लिवेटर स्केप सॉरी टेरिस मेजर टेरिस माइनर कहाँ होती हैं, लेटरल बेडोर ऑफ स्केपला पे अटैच होती है ना, तो बेसिकली पीछे ही होगी स्केपला पे, तो टेरिस मेजर। एंड थर्ड कौन सी होगी, लेटिसमस डोर्साई, लेटिस चलो पूरा लिख देते हैं, लेटिसमस डोर्साई। ओके, तो लेटिसमस डोर्साई कहाँ होती है, अबव है, तो ये होगी हमारे बीलो। ओके, तो दीज आर द 3 पॉइंट ऑफ पोस्टीरियर वॉल ऑफ एक्जिला। ओके, तो वही 3 पॉइंट एंटीरियर वॉल के पढ़ लिए, 3 पॉइंट हमने पोस्टीरियर वॉल के पढ़ लिए। तो देखिए ये पोस्टीरियर वॉल आपको यहीं देखना है। देन आते हैं मीडियल वॉल पे। तो मीडियल वॉल में यहाँ लिख रहा हूँ, चलो इसको यहीं कर देना यार ऐसे, तो मैं बात कर रहा हूँ मीडियल वाल की। तो वहीं हमें मीडियल वाल में भी तीन चीज़ें देखनी हैं। तो देखिए मीडियल वाल बनती है बेसिकली, पहली देखते हैं कि होती कैसी है, दिस इज कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेटरली, कॉमन सी बात है मीडियल वाल होगी तो कॉन्वेक्स कहाँ होगी, लेटरली होगी ना। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ मीडियल वॉल, वही 3 पॉइंट देख रहे हैं। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, रिप्स, बेसिकली हमारे चेस्ट वाल, चेस्ट की जो लेटरल साइड होती है वहाँ रिप्स भी होती हैं, तो रिप्स भी कौन सी होगी, अपर फोर रिप्स। तो रिप्स होगी हमारे पास अपर फोर, ऊपर की चार रिप्स होगी, प्लस दीज इंटरकोस्टल स्पेस, दियर इंटरकोस्टल स्पेस, ICS मतलब इंटरकोस्टल स्पेस। ओके, देन थर्ड एंड लास्ट पॉइंट मीडियल वॉल का, वो है हमारा क्या होगी, बेसिकली अब रिप्स है तो क्या होती है, सीरेटस एंटीरियर,
देखिए ये मसल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी नर्व सप्लाई क्या होती है? सेरेटस एंटीरियर की लॉन्ग थोरेसिक नर्व। एंड लॉन्ग थोरेसिक नर्व की रूट वैल्यू क्या होती है? C5, C6, C7। ओके, तो कॉन्वेक्स अपवार्ड होती है, रिप्स होगी अपर फोर्स, सेरेटस एंटीरियर मसल जो कि कहाँ होती हैं, ये होती है इसके अपर पार्ट में। मतलब सेरेटस एंटीरियर मसल पूरी नहीं होगी, सेरेटस एंटीरियर मसल का ओनली अपर पार्ट होगा। ओके, तो अपर पार्ट ऑफ सेरेटस एंटीरियर मसल। इसकी नर्व सप्लाई लॉन्ग थोरेसिक नर्व। अगर लॉन्ग थोरेसिक नर्व में कोई भी प्रॉब्लम है तो कौन सी डिजीज होती है? उसे बोलते हैं विंगिंग ऑफ स्केपुला। और विंगिंग ऑफ स्केपुला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हमने अपलोड कर दिया है आप चैनल पर, ढूंढने के तो मिल जाएगा। ओके, नहीं मिले तो मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। ओके, तो दीज आर द 3 पॉइंट ऑफ मीडियल वॉल ऑफ एक्जिला। देन लास्ट एंड फाइनल हम आते हैं लेटरल वॉल ऑफ एक्जिला पे। तो लेटरल वॉल को मैं यहाँ लिख रहा हूँ लेटरल वॉल ऑफ एक्जिला। तो वही हमें लेटरल वॉल को भी 3 पॉइंट के अंदर पढ़ना है। तो लेटरल वॉल बेसिकली हमने बोला था ना कि बेसिकली होता तो क्या है, ये होता तो ये 4-साइडेड पिरामिड है, बट इसकी लेटरल वॉल बहुत ही नेरो होती है। ओके, तो लेटरल वॉल सबसे फर्स्ट पॉइंट यही है कि दिस इज वेरी नेरो। आप खुद फील कीजिए, आप अपनी एक्जिला को देखिए, लेटरल साइड आपको बहुत नेरो दिखेगी। ओके, तो दिस इज वेरी नेरो। देन नंबर सेकंड पॉइंट क्या होगा? बेसिकली अब लेटरल साइड क्या होती है? ह्यूमरस बोन। ह्यूमरस बोन का भी क्या होगा? अपर पार्ट। और अपर पार्ट में भी क्या होती है ह्यूमरस की? बाइसिपिटल ग्रूव। देखिए सब समझने का है, मैं यहाँ समझ के ही लिख रहा हूँ, मैं रट के नहीं लिख रहा। ओके, तो ह्यूमरस RUS ह्यूमरस शाफ्ट। देखिए ना यार, ह्यूमरस का हेड तो कहाँ जाएगा? शोल्डर जोन के फॉर्मेशन में, तो वो तो होगा नहीं ना। तो ह्यूमरस की क्या होगी? शाफ्ट। ह्यूमरस की शाफ्ट का भी क्या होगा? अपर पार्ट। तो ह्यूमरस शाफ्ट का हमारे पास यहाँ पे अपर पार्ट होगा। एंड देन अपर पार्ट भी कौन सा? मतलब जो बाइसिपिटल ग्रूव वाला रीजन है वो वाला पार्ट होगा शाफ्ट का। ओके, तो अपर पार्ट ऑफ शाफ्ट का भी कौन सा रीजन? बाइसिपिटल ग्रूव वाला रीजन। तो रीजन ऑफ बाइसिपिटल ग्रूव। ओके, अब देखिए एक बहुत तगड़ा सा फंडा है, बताएंगे आपको इसका थर्ड एंड लास्ट पॉइंट देखते हैं, जिसमें हमारा पूरा चार्ट कवर हो जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट होगा कोरेको ब्रेकियलिस मसल। कोरेको ब्रेकियलिस एंड शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई। एसएस मतलब शॉर्ट हेड ऑफ, एसएस मतलब शॉर्ट हेड ऑफ। ओके, तो ऐसे में शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई। ओके, तो दीज आर द 3 पॉइंट्स ऑफ लेटरल वॉल ऑफ एक्जिला। हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। देखिए एंटीरियर वॉल के 3 पॉइंट्स हो गए, देन पोस्टीरियर वॉल के 3 पॉइंट्स हो गए, मीडियल वॉल के 3 पॉइंट्स हो गए, एंड लेटरल वॉल के ये 3 पॉइंट्स हो गए। देन बेस को हमने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया था, और एपेक्स को 3 पॉइंट ये हो गए। अब देखिए हमने बोला था एक धासु चीज़ बताएंगे, वो ये है, बहुत धासु है, आपको मज़ा आएगा। अगर आपको बाइसिपिटल ग्रूव आती है ना तो आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। ओके, तो देखिए बाइसिपिटल ग्रूव ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बेसिकली इसमें क्या होते हैं? 2 लिप होते हैं, लेटरल लिप मीडियल लिप। लेटरल लिप से अटैच होती है पेक्टोरलिस मेजर, और मीडियल लिप ऑफ बाइसिपिटल ग्रूव उससे अटैच होती है कौन? टेरिस मेजर। और इसके बेस पे कौन, बेस या फ्लोर पे कौन अटैच होती है? लेटिसमस डोर्साई। ओके, तो बाइसिपिटल ग्रूव के 3 पार्ट, लेटरल लिप, मीडियल लिप और इसका फ्लोर। तो देखिए जो तीनों चीज़ें, जो तीनों जगह से अटैचमेंट है ना, वो तीनों मसल्स यहाँ प्रेजेंट है, होनी भी चाहिए। लेटरल लिप से कौन होगी? पेक्टोरलिस मेजर। मीडियल लिप से टेरिस मेजर। फ्लोर से लेटिसमस डोर्साई। आते हैं कहाँ कहाँ है, देखिए टेरिस मेजर तो यहाँ मिल गई, लेटिसमस डोर्साई जैसे उसके नीचे मिल गई, और एक कौन सी होती है? पेक्टोरलिस मेजर। तो ये हो गई हमारी पेक्टोरलिस मेजर। मतलब कि बाइसिपिटल ग्रू कहाँ प्रेजेंट होगी? आप कॉमन सेंस लगाइए ना यार, बाइसिपिटल ग्रू होती है लेटरल साइड, तो मतलब लेटरल वॉल पे पड़ेंगे। ओके, और बाइसिपिटल ग्रू के सारे अटैचमेंट, फर्स्ट कौन सा था? पेक्टोरलिस मेजर। बेसिकली पेक्टोरलिस है चेस्ट की मसल है, तो कहाँ मिलेगी? एंटीरियर वॉल पे। तो देखिए
एंटीरियर वॉल में पढ़ा हमने पेक्टोरिस मेजर, दिस इज अटैच टू लेटरल लिपो बाइसेप्टल ग्रूव। उसके बाद देखिए टेरिस मेजर, ये स्केपला से अटैच होती है, लेटस मस डोर्सा ये भी स्केपला से अटैच होती हैं। तो स्केपला कहाँ होती है? पोस्टीरियर साइड, तो कहाँ पढ़ेंगे? पोस्टीरियर वॉल पे। ओके, तो टेरिस मेजर दिस इज अटैच टू मीडियल लिपो बाइसेप्टल ग्रूव एंड लेटस मस डोर्सा दिस इज अटैच टू फ्लोर ऑफ बाइसेप्टल ग्रूव। ओके, देखिए हमारी सेपरेट वीडियो है किसकी, बाइसेप्टल ग्रूव की, वहाँ पे आपको सारा मिल जाएगा। ओके, तो दीज आर इंटरकनेक्टेड। ओके, जो भी मैंने येलो येलो किया है सारा सारा इंटरकनेक्टेड है, बाइसेप्टल ग्रूव मेजर टेरिस मेजर लेटस मस डोर्सा इन ये। तो देखिए आपको इसके साथ क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, मतलब एग्जिला के साथ साथ क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहला आपको पढ़ना है बाइसेप्टल ग्रूव, इसको डिटेल से पढ़ना है क्योंकि वो भी इसी से कवर होगा। देन सेकंड पढ़ना है आपको क्लेवी पेक्टोरल फेशिया, जो कि यहाँ पे है। सेकंड टॉपिक पढ़ना है आपको क्लेवी पेक्टोरल फेशिया, क्योंकि ये भी अगर आप इसी के साथ पढ़ेंगे तो आपके लिए इंटरेस्टेड चीज़ हो जाएगी। क्लेवी पेक्टोरल फेशिया को पियर्स करने वाले स्ट्रक्चर्स की ट्रिक क्या है? कोल, सी से सिफेलिक वेन, ए से एक्रोमियोथोरेसिक आर्टरी, एल से लेटरल पेक्टोरल नर्व, सेकंड एल से लिम्फेटिक्स। ओके, तो ये सारा का सारा हो गया हमारा एक्जिला। तो देखिए हमने यह काफ़ी लंबा चार्ट बना रखा है। देखिए यहाँ पे लंबा इसलिए बना है क्योंकि बेसिकली मैंने यहाँ पे कैपिटल लेटर्स का यूज किया है। ओके, तो आपको पूरे के पूरे चार्ट को ऐसा बनाना है, ओनली फोर, एक पेज, एक पेज के अंदर आपका पूरा एक्जिला कवर होना चाहिए। ओके, तो आप इस पूरे चार्ट को ऐसा सेटअप करना कि पूरा एक्जिला आपके एक पेज के अंदर आ जाए, और इसी के साथ साथ दो टॉपिक्स, बाइसेप्टल ग्रूव और क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। ओके, तो फाइनली मैं इस चार्ट को हमारे फेसबुक पेज पर अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ आपको पूरा का पूरा चार्ट एक साथ मिल जाएगा। तो फाइनली आपको अगर ये चार्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और अपने कमेंट्स दीजिए कि क्या कमी थी इस चार्ट में, क्या मतलब अच्छा बुरा जो भी। एंड फाइनली इफ़ यू लाइक माई वर्क तो आप हमारे चैनल को डोनेट कर सकते हैं। तो देखिए डोनेशन की सारी डिटेल मैंने नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। बाय।